अगर आप कोई गाड़ी ऑन करते हैं या आप कोई नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज जो है मैं आपके लिए दो केसेस लेके आया हूं और ये रियल लाइफ केसेस हैं और इनको सुन के आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा भी होता है आज तक तो हमें यही बताया गया था कि ऐसा कर लो भैया आप सेफ हो लेकिन उसके बाद बावजूद मतलब ऐसा करने के बावजूद भी ऐसा होता है ये कैसे हुआ ठीक है उस पर बात करेंगे क्या है वो रियल लाइफ इंसिडेंट जो कि हमारे सब्सक्राइबर के साथ ही हुआ है उस पर बात करेंगे इस वीडियो में साथ में ये क्यू एन ए वीडियो रहेगा ठीक है आपके कमेंट्स आपने जो जो पूछा है उस पर भी बात करेंगे लेकिन जो दो केसेस आपके लिए लेके आए हो उसको मिस मत करना ठीक है क्योंकि वो आपकी आंखें ज़रूर खोलेगा और आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो पे ठीक है लेकिन कमेंट में जो सबसे पहले मैंने कमेंट चुना है वो भी वो उसने मेरी आंखें खोल दी है ठीक है उस कमेंट ने मेरी आंखें खोल दी है तो उस कमेंट से हम स्टार्ट करते हैं संतोष कुमार जी का ये कमेंट है और ये लिखते हैं कि आप देशद्रोही से कम नहीं है हम लोगों को गर्व होता है गर्व लिखा है इन्होंने गर्व नहीं गर्व होता है कि इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी धीरे धीरे विकास कर रही है जो कमियां है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी अब चाहे जितना बुरा कीजिए नेक्सोन और ज्यादा बिकेगी ठीक है तो भैया देखिए ये वाला वीडियो जहां पर को मैंने कंपेयर कराया कि लोग क्या कह रहे हैं यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं मैंने अपना ओपिनियन तो इस वीडियो में दिया ही नहीं था लेकिन फिर भी एक ना देखिए एक चीज होती है जो लोग हेट करते हैं वो हेट ही करते हैं चाहे कुछ भी अच्छा काम कर लो आप वो कमेंट में जो है हेट ही लिखेंगे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो वीडियो है इस पर मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा था ये वो वाला वीडियो है जिसमें मैंने बोला था कि इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स नेक्सॉन के बारे में क्या कह रहे हैं उनके वीडियोस का पांच वीडियोस का मैंने निचोड़ एक वीडियो में दिया था लेकिन उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं था आ गई बात समझ में आपको तो यहां पर को अगर ये इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सनल हेट है क्लियर यहाँ पर को क्योंकि अगर इन्होंने वीडियो देखा होगा तो वहां पर को डीडीएस थे वहाँ पर आस्कार गुरु थे वहाँ पर मोटर रोकटेन थे वहाँ पर गगन चौधरी थे मैंने उनकी बात करी है अपनी बात तो मैंने करी नहीं थी भाई साहब कि नेक्सॉन पे ये कमी है वो कमी है मैंने तो बोला नहीं था इन्होंने ही बोला था ठीक है और अगर कमी बोली भी है तो देखिए ऐसा नहीं है कि इंडियन जो ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट मैं नहीं करता हूँ शायद यूट्यूब में ऐसे बहुत कम चैनल होंगे जो इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं जितना मैं करता हूँ टाटा को ठीक है आप कई समय से देखे आ रहे होंगे मेरा चैनल टाटा की गाड़ी मैं खुद ऑन कर चुका हूँ दो लेकिन हम जितना प्यार करते हैं उतनी शिकायत करने का भी हक हमारा है मैं जो है आंख बंद करके चीजों को नहीं देख सकता ठीक है हम अगर अच्छी चीजें हैं हम वो भी बताते हैं और कमी भी हम साफ-साफ बताते हैं क्लियर अपने चैनल पे हम ये चीज हमेशा बताते हैं दूसरी चीज इंडियन ब्रांड को अगर हम प्र, प्रमोट करते हैं और हम देख रहे हैं कि भैया इंडियन ब्रांड जो है वो विदेशी ब्रांड से भी ज्यादा महंगा हो गया जबकि वो इंडियन ब्रांड है तो इंडियन ब्रांड होने के नाते हमें क्या बेनिफिट है ठीक है गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है इंडियन ब्रांड को सिर्फ सिर्फ कस्टमर ही सपोर्ट करे अपनी जेब हल्की करके मेरे हिसाब से जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनमें जीएसटी कम होना चाहिए अगर आपको इंडियन ब्रांड्स को ही प्रमोट करना है कि भैया भारत में का पैसा भारत में ही रहे भारत की बनी हुई गाड़ियाँ भारत पे ज्यादा बिकें तो जीएसटी कम हो जाए इंडियन ब्रांड्स पे वहाँ पर टैक्स कम होगा तो कौन नहीं लेगा इंडियन ब्रांड सब लेंगे बढ़िया तरीके से या फिर इंडियन गाड़ियाँ ही सस्ती हैं जो इंडिया में बन रही है विदेशी गाड़ियाँ जो है वो सस्ती हो रही है इंडियन ब्रांड से और जबकि वो उनके कंपोनेंट जो है वो सब इंपॉर्टेंट है मतलब वैसे तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है बनता तो सब इंडिया में ही है क्लियर

जो इंश्योरेंस है उसका मैं रिन्यूअल कराना चाहता हूँ वो कंपनी से कराऊँ या मैं बाहर से कराऊँ ठीक है देखिए इंश्योरेंस आप जब लेंगे ना तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा ही चाहे आप बाहर से कराएँ चाहे आप कंपनी से कराएँ और ऐसा नहीं है कि कंपनी से कराने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी ये जीता जागता उदाहरण है मैं अभी जो है आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता हूँ ठीक है क्योंकि जो है जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी बात हुई है बट उस इस बारे में बात नहीं हुई कि आइडेंटिटी रिवील करनी है या उनके बारे में बताना है बट स्टिल मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कंपनी uh, का नाम भी नहीं लूंगा अभी ठीक है क्योंकि वो केस चल ही रहा है बट उनने जो है अपना पूरा का पूरा इंश्योरेंस ले रखा था मतलब कि इंजन प्रोटेक्शन कंज्यूमेबल सब कुछ उसके बाद भी जो है उनकी गाड़ी जब सर्विस सेंटर पर गई ठीक होने जब उनका जो भी केस हुआ गाड़ी पे उसके बाद जब वो सर्विस सेंटर पे गई तो उनको क्या बोला गया कि भैया इंजन ऑयल फिल्टर ये सब इस चीज का पैसा आपको देना पड़ेगा अन्यथा जो है आपको जो है गाड़ी नहीं मिलेगी मतलब कि आप उनको गाड़ी ठीक करके नहीं मिल रही थी जब तक कि वो क्या पेड नहीं कर रहे थे इंजन ऑयल और कंज्यूमेबल जितने भी हैं जबकि उन्होंने कंज्यूमेबल पॉलिसी ले रखी है और उनको जो है कई दिनों तक जो है मेंटल जो स्ट्रेस है उससे गुजरना पड़ा क्योंकि वो कई दिनों तक उनसे जो है बहस करते रहे उन्होंने पूरा इंटरनेट छाना उन्होंने सारी गाइडलाइंस पढ़ी इस चक्कर में ठीक है लेकिन क्या कंपनी से जब उन्होंने इंश्योरेंस लिया था अपनी नई गाड़ी का रिन्यूवल भी नहीं पूरा प्रोटेक्शन मतलब कि एक एक चीज का प्रोटेक्शन इंजन प्रोटेक्शन से लेके की प्रोटेक्शन से लेके हर चीज ले रखी थी

मैं अपने वहां अपने सिटी पे जो ऑफिस है वहां से करता हूँ जैसे कि न्यू इंडिया हो गया या फिर यूनाइटेड इंश्योरेंस हो गया वहां से मैं रिन्यूअल करता हूँ और उनसे बात कर लेता हूँ भैया कि आपके वहां इस शोरूम पे या इस कंपनी पे क्या है स्थिति ठीक है अगर वो देने को तैयार हैं तो देखिए अल्टीमेटली आएगा तो कंपनी का ही सर्वेयर जिस ऑफिस में मैं जा रहा हूं उसी ऑफिस का सर्वेयर तो वहां भी आएगा शोरूम पे क्लियर और ऐसा नहीं है कि हर शोरूम आपको परेशान करेगा कई लोग कई शोरूम ऐसे होंगे आप छोड़ाओ गाड़ी आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ दिक्कत नहीं होगी लेकिन यहाँ वाले केस पर बहुत ज़्यादा परेशान किया गया अगर आपकी कंपनी अच्छी है सब कुछ सही है वहाँ पर उनसे आप बात कीजिए पता कीजिए कि क्या है उनकी स्थिति अगर वो लोग बढ़िया तरीके से रिन्यूअल कर रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं तो आप वहीं से करा सकते हैं ठीक है बट कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं उसके बाद अगर हम बात करें कैन वी इंस्टॉल क्रूज बटन ठीक है आफ्टर मार्केट जो है क्रूज कंट्रोल हम लगा सकते हैं इन्होंने बटन लिखा हुआ है यहाँ पर को तो देखिए आफ्टर मार्केट आप लगा सकते हैं और आप अपनी गाड़ी में कुछ भी लगा सकते हैं आफ्टर मार्केट आई बात समझ में आपको और यहीं से यहीं से हमारा दूसरा केस इस्टार्ट होता है यहीं से हमारा दूसरा केस स्टार्ट होता है वो मेरे सामने सामने का है मैं टाटा शोरूम पे अपनी गाड़ी लेके गया था ठीक है गाड़ी में जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करना था ये जो टच स्क्रीन है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए मैं लेके गया था तो मेरे बगल पे एक पंच की लाइट खोल रहा ला था मिस्त्री जो भी उनका मैकेनिक था पंच की शायद वारंटी पे लाइट चेंज होनी थी तो जैसे ही वो लाइट खुली और लाइट खुलते ही शोरूम वालों की आंखें भी खुल गई क्योंकि उसमें वायर कटती है अंदर

उस, उस केस को काफ़ी क्लोजली मतलब ऑब्जॉर्व कर रहा था वहीं पर बगल में खड़े होकर तो उसने कहा यार इसमें तो ये चीज़ अब हो ही नहीं सकती है जो भी उनका फ्री में जो भी हो रहा था वहाँ पर तो फिर उसके बाद थोड़ा सा अंदर गए वो फिर बहुत ज़्यादा मैं अपनी गाड़ी पे लगा हुआ था तो मैंने देखा वहाँ पर को तो वो समझा रहे थे कस्टमर को कि अब आपको जो है इस पर वारंटी शायद नहीं मिल पाएगी या जो भी था वो केस इंश्योरेंस का था ये मुझे डिटेल में नहीं पता बट एक चीज़ वहाँ से क्लियर हुई कि अगर आपकी गाड़ी पर कोई भी मॉडिफिकेशन है तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी यह आपका क्वेश्चन रहता है हमेशा ठीक है तो दूसरा केस ये था कि भैया वारंटी वाला क्या सीन रहता है अगर हम बाहर से मॉडिफिकेशन कराएं काफी लोग पूछते हैं कि बेस मॉडल खरीद खरीदू बेस मॉडल खरीदू उस पर जो है मॉडिफिकेशन करा लेता हूँ भैया क्या दिक्कत है बढ़िया तरीके से अपनी गाड़ी चलेगी और बढ़िया बढ़िया टच स्क्रीन मिलेगी सारी चीजें मिलेंगी तो मेरा मैं इसमें यह कहता हूँ कि बेस मॉडल ना लेके आप ऐसा मॉडल ले लें जिसमें वायरिंग पूरी हो भले ही आप उसमें स्क्रीन ना हो लेकिन जो जो सिंपल वाला जो स्टीरियो आता है उसको आप हटा के उसमें टच स्क्रीन लगा लो और प्लग एंड प्ले कर लो सीधे ठीक है आपको कोई भी वायरिंग ना करनी पड़े मतलब आपके स्पीकर लगे हुए आए हैं सब कुछ लगा हुआ है बस आप उसमें जो है अपना प्लग एंड प्ले करके लगा सकते हैं स्टीरियो ताकि आप कभी अगर वारंटी क्लेम के लिए दिक्कत करें कंपनी तो आप वो स्टीरियो जो है अपना टच स्क्रीन वाला आप निकालें एक खाँचा होता है खींचा निकाला दूसरा वाला अपना फिट कर दिया जो कंपनी से आया था कपलर हटा के लेकिन कोई भी ऐसा मोडिफिकेशन नहीं कराना है चाहे आपका जो एक्सेसरी वाला है वो कह रहा है कि भैया हाँ यार ये जो है मैं कपलर टू कपलर कर दूंगा या कोई भी दिक्कत नहीं करूंगा लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए फिर इस चीज के लिए कि वो काट रहा है कि नहीं काट रहा है तार किस तरीके से वो फिटिंग कर रहा है आपकी वही तो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला केस ना हो जाए और उसके बाद आप जो है उसको जब भी कंपनी में जाएँ तो अपनी ओ फिटिंग के संग जाएं अगर आपको वारंटी क्लेम करनी है और ये भी डीलर टू डीलर ही डिपेंड करता है जैसे कि इंश्योरेंस वाली मैंने बात करी जैसे कि मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कराए थे एक्स में लेकिन मेरे डीलर ने कभी भी कोई दिक्कत नहीं करी जो हमारे जो महिंद्रा वाले डीलर थे उन्होंने हमेशा जब भी मैं किसी भी चीज़ के लिए गया उसमें वारंटी में काफी चीजें चेंज कराई हमने तो उन्होंने कभी भी कोई दिक्कत नहीं करी उसके बाद जो है देखिए एक कलर से रिलेटेड है टाटा पंच वाले वीडियो में मस्ट रिप्लाई आई एम प्लानिंग टू बाय दिस कार कलर इज़ बेस्ट देखिए कलर डिपेंड करता है आपके घर की कंडीशन पे कि आप कैसी जगह पे रहते हैं अगर आप आपके एरिया में बहुत डस्टी रोड्स हैं समय तो वहां पर को ब्लैक कलर लेके कोई फायदा नहीं है वहाँ पर आप वाइट कलर ले सकते हैं आपके घर में पार्किंग नहीं है आप बाहर खड़ी खड़ी कर रहे हैं तो भी जो है आप जो है कोई ऐसा कलर लीजिए जो इजी टू मेंटेन हो जो घर पे अगर गाड़ी नहीं धुलती है जैसे पहाड़ों पे होता है हमारे वहाँ हर जगह पे पार्किंग नहीं होती है हर जगह गाड़ी नहीं जा पाती है तो हमें दूर खड़ी करनी पड़ती है तो ऐसी सिचुएशन पे जो है गाड़ी हर हफ्ते तो आप धुलाने नहीं जा सकते इतना टाइम तो होता नहीं है ठीक है कार वॉश पर आप जाएँ और इतना मनी भी स्पेंड करना ठीक नहीं है गाड़ी धुलाने में बार बार तो ऐसे में ऐसा कलर लिया जाए तो इजी टू मेंटेन हो जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर ले लीजिए सिल्वर कलर ले लीजिए ठीक है और अगर आप अपने घर के दरवाजे के बाहर गाड़ी खड़ी कर रहे हो आपके पास पार्किंग है फिर तो कोई भी कलर लीजिए पाइप लगाइए गाड़ी धो लीजिए क्योंकि कलर देखिए वैसे तो कलर एक पर्सनल चॉइस है हमें कौन सा कलर अच्छा लगता है मॉला लें लेकिन अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस के लिए गाड़ी घर पर खड़ी होनी जरूरी है ठीक है एक और यहाँ पर को क्वेश्चन है ब्रिज़ा ऑटोमेटिक ब्रिजा मैनुअल और नेक्सॉन ऑन ई में कौन सी लेनी चाहिए देखिए यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है नेक्सॉन ई एक अलग चीज़ है पेट्रोल अलग चीज़ है पेट्रोल गाड़ी अलग चीज़ है अगर मैं यहाँ पर को बताऊँ कि ब्रिज़ा मैनुअल और ऑटोमेटिक में तो आप टॉर्क कन्वर्टर में जा सकते हैं बहुत बढ़िया चलेगा आपको बहुत आराम भी मिलेगा जिस हिसाब से जो है ट्रैफिक कंडीशन बढ़ते जा रही हैं और अगर मैं ई की बात करूँ तो ई में तो नेक्सॉन ई ही एक अच्छा ऑप्शन है एकमात्र ऑप्शन है अच्छा ऑप्शन नहीं एकमात्र ऑप्शन है तो आप वो ले सकते हैं बहुत बढ़िया आपको जो है एक्सपीरियंस मिलेगा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन बहुत सारे हैं ठीक है अगर आपको ये ए सेशन पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि ऐसे वीडियोस और बनाइए मैं आपके क्वेश्चंस को उठाऊंगा और चैनल पे लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि भैया आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन पे और आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिस्ट से की ब्लेस्ड बाय बाय